तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको लेकर चलते हैं गंगा जी, और पानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भर रहा है, तो आज आपको दिखाएंगे दरियापुर के तीन घाट का नज़ारा। तो बने रहना मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करना, पूरा वीडियो देख के ही जाना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना। तो गाइस, ये अभी आप देख रहे हैं बाटा मोड़ का कुछ ऐसा नज़ारा, दरियापुर पंचायत के बाटा मोड़ का कुछ ऐसा भी सीन है। गंगा जी का पानी यहाँ बढ़ चुके हैं कुछ दिन पहले, हालाँकि यहाँ पर एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। पानी काफ़ी गहराई है यहाँ पे, और जहाँ पे लेडीज से भी नहा रही है उसके आगे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो अभी मैं आपको पूरा दरिया का सीन दिखाऊंगा। अभी चलता हूँ दरियापुर, और दरियापुर में भी अभी आपको मैं सीन दिखाऊंगा वहाँ का दरिया का क्या स्थिति है। पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अभी मैं आपको पूरा हर एक घाट का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा। एक गाइस, ये दरियापुर काली मंदिर के पास सा ये रास्ता जाता है, इसके अंदर भी एक घाट है। तो अभी चलेंगे दरिया की साइड, और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ के दरिया के पानी का कितना बराबर हो चुका है और स्थिति क्या है। तो गाइस, ये है दरियापुर, अभी मैंने आपको दिखाया था काली स्थान के अंदर का, मैं अभी आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये ऐसा कुछ अभी सीन है, इधर तो कुछ ज़्यादा भी पानी आया नहीं, बट आगे का जो घाट था बाटा मोड़ का, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पानी था, और यहाँ पर भी कुछ कम पानी है क्योंकि इससे आगे काफ़ी ज़्यादा गहरा है और एक बांध टाइप सब बना हुआ है। अभी मैं आपको अपना सबसे लास्ट घाट लेकर चलूँगा, दरियापुर पंचायत दो दरियापुर चौक से सीधा अंदर जाते हैं, मैं अभी आपको उधर लेकर चलूँगा और उधर का कुछ अच्छा सा भी आपको सीन दिखाऊँगा। ये है मंदिर, और इसमें दो तरह का पेड़ भी है। तो अभी आप देखते हैं, अभी यहाँ पर पूजा हो रहा, और साउंड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी यहाँ पर से चलते हैं और अंतिम घाट लेके आपको। तो कैसे, अभी आ चुके दरियापुर के सबसे अंतिम छोर, बोले तो हम अंतिम घाट पर। आप कुछ ऐसा सीन देख सकते हैं दरिया का, क्योंकि अभी इधर भी पानी आ चुका है। पहले एक्चुअली यहाँ पे चिमनी था, अब चिमनी नहीं है, अब चिमनी ख़त्म हो चुका है, और ईंट कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। बट अभी मैंने आपको सबसे अंतिम छोर पे, दरियापुर के सबसे अंतिम छोर बोले तो बाटा मोड़ के घाट पर जाके मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि वहाँ पर कुछ दिनों पहले एक घटना भी हुआ था, क्योंकि एक बच्चे डूब गए थे। बट अभी मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, ये चिमनी का फासला ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये है मौजम चक, लास्ट छोर है मौजम चक, फिर इसके आगे रामटोला, मौजम चक और रामटोला। तो ये अंतिम छोर है, इसके आगे रामटोला हो जाता है। आप ये चिमनी देख के समझ सकते हो, ये चिमनी रामटोला के अंदर आता है, और अभी हम जिस जगह पर हैं ये है मौजम चक, और उससे आगे आता है ओटा पंचायत। रामटोला भी एक्चुअली ओटाई पंचायत में आता है, बट दोनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ से आप अभी देख रहे हैं गंगा जी का कुछ इस तरह से सीन, जो कि पहले मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इसके आगे जो कटाई हो रहा था तभी मैंने वीडियो बनाया था, और फिर से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था, हालाँकि कुछ परेशानी थी इस वजह से। बट अभी मैं आपको ये कुछ ऐसा सीन दिखा रहा हूँ। अभी तो इधर उस पार जाने का रास्ता नहीं है, किसी नाव से उस पार चलेंगे, और उस पार से आपको दिखाएंगे कुछ अच्छा सा नज़ारा, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भी एक चिमनी था जो कि अब नहीं है, सेम ऐसे ही चिमनी था, लेकिन ये कुछ चौलाकार का है, वो कुछ गोलाकार का था। तो गाइस, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अभी आगे चलते हैं, इससे आगे वो साइड वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर से भी आपको दिखाएंगे कुछ अच्छा सा सीन। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए रहना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।